हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो डियर, आज हम लोग मिल रहे हैं एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कोल इंडिया लिमिटेड जल्द ही अपना रिक्रूटमेंट 2021 रिलीज करने वाला है, तो इन्होंने आज अपनी जो वैकेंसी है फॉर ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए इन्होंने अपनी वैकेंसी रिलीज कर दिया है। वैकेंसी के लिए जो भी नोटिफिकेशन है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है, और यहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है दैट इज 588 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे एक बात और है कि जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए जिन्होंने भी। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली गेट 2021 के बेसिस पे है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो अपनी जो जॉब नोटिफिकेशन है वो गेट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग भी गेट 2021 दिए हैं, जो लोग गेट 2021 में अपीयर हुए हैं उनके लिए ही अपना ये जॉब नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी है, जॉब डिटेल है, इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, ब्रांच वाइज आपका वैकेंसी कितनी कितनी है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी पैकेज क्या है, एज वेल एज एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत शॉर्ट में मैं इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले ही बताया था कि ये कोल इंडिया लिमिटेड यह महारत्न कंपनी है, और महारत्न कंपनी के साथ साथ यहाँ पे आपका जो पैकेज होने वाला है काफ़ी एक्साइटिंग पैकेज है, काफ़ी ज़्यादा पैकेज है इसमें। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कितना पैकेज है। जितने भी PSUs हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट पैकेज है इसका कोल इंडिया लिमिटेड का। और यहाँ पे जो वैकेंसी है, जो एप्लीकेशन है, दैट इज़ फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी। जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, वो सारा का सारा जो वैकेंसी है दैट इज़ फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं, और इसमें जो डिटेल है वैकेंसी का, यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है दैट इज़ 253 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है दैट इज़ 117 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए जो टोटल वैकेंसी दैट इज़ 134 वैकेंसी है। सिविल के लिए जो टोटल वैकेंसी है दैट इज़ 57। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए दैट इज़ 15। एंड जियोलॉजी के लिए 12 वैकेंसी है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फॉर माइनिंग स्टूडेंट, माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। एंड सेकेंड वन पे जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दैट इज़ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा माइनिंग के लिए है, सेकेंड पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इंडस्ट्रियल एज वेल एज जियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डेट्स की बात करूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दैट इज़ 10th of August, मीन्स आज से स्टार्ट हो गया है। 10 AM से ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो एंडिंग डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म विथ फी, दैट इज 9th of September। तो पूरा एक महीना है आपके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो लास्ट डेट का वेट मत करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो एज सून एज पॉसिबल इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वेबसाइट में, तो उसमें आपका फॉर्म कई बार सबमिट नहीं हो पाएगा। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, एज सून एज पॉसिबल आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे, तो आप इसके लिए मिस कर जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मैकेनिकल, जो माइनिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन सब के लिए क्या होना चाहिए, बीई, बीटेक, बीएससी इन इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60%। तो इससे जो रेलिवेंट ब्रांच है दैट इज माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपका बीई, बीटेक, बीएससी होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। बाकी जो जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पे मेंशन है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट आर 60%। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स। 5% मीन्स आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए दैट इज 55%, मीन्स आपका जो डिग्री जो अभी आपने बीई, बीटेक जो भी आपने किया है उसमें आपका जो
डिग्री होना चाहिए, जो फाइनल मार्कशीट होना चाहिए उसमें आपका टोटल जो मार्क्स होना चाहिए वो होना चाहिए 60% अगर आप जनरल हैं। अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी तो आपका 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं जियोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे इसके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसलिए इसको अलग किया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो अभी अपीयर हुए, आई थिंक सभी लोग जितने लोग भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो भी लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए तो ऑलमोस्ट सारे अभी तक तो सारे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो गया है, चाहे अभी कोरोना का टाइम है जो इसके बावजूद भी जो लोग भी हैं उनका सारा ऑनलाइन या जैसे भी है उनका एग्ज़ाम हो चुका है। तो आई होप कि आप सभी लोग का कई यूनिवर्सिटी का तो रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो इन्होंने बोला है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं, बट आपका जो फाइनल जो मार्कशीट है वो आपका 30th सितंबर तक आ जाना चाहिए। मीन्स आपका जो फाइनल मार्कशीट है फाइनल ईयर का, जो भी आपने फॉर्म जो लास्ट ईयर का आपने एग्ज़ाम दिया है, लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो आपका जो मार्कशीट है, जो मार्क्स है, जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाना चाहिए टिल 30th of September, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो डिसिप्लिन वाइज कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये सारे लोग एलिजिबल हैं और ये सारे लोग एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। तो अगर आपका इन सब में से कोई ब्रांच है जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आपका ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो आप उसके लिए आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, कोल इंडिया में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया वही लोग एलिजिबल हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं, इससे मिलते जुलते जो भी लोग को लगता है कि हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग का तो सेम सिविल में ही है कि आपका जो ब्रांच होना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए, इससे रिलेटेड किसी और में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सिविल नहीं है इसमें से कोई है तो आप ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम है, आपका जो बीटेक होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही होना चाहिए, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। मीन्स अगर मिलता जुलता है कॉम्बिनेशन वाला ब्रांच है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर ब्रांच वाइज जो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसकी मैं बात करूँ तो माइनिंग के लिए आप देख सकते हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी दैट इज 88 वैकेंसी है। यहाँ पे EWS के लिए वैकेंसी है जो ये भी जनरल कैंडिडेट हैं बट उनके लिए अगर EWS की कैटेगरी अलग से बनाई गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है दैट इज 50 स्टूडेंट, टोटल वैकेंसी 117 जैसा कि मैंने आपको बताया है। मैकेनिकल के लिए जो टोटल वैकेंसी दैट इज 134, जनरल के लिए है 54, सिविल के लिए टोटल वैकेंसी मैंने बताया था आपको 57 है और जनरल के लिए 28 है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 15 है और जनरल के लिए 8 वैकेंसी है। जियोलॉजी के लिए टोटल वैकेंसी है 8 एंड जनरल के लिए 6 वैकेंसी है। ये आपका जो भी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं EWS SC ST एंड OBC उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया किसके लिए कितनी वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है मैंने पहले ही बताया था कि इसका जब नोटिफिकेशन आया था कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये अपनी जो जॉब है ये बेसिकली गेट 2021 के बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो गेट 2021 के बेसिस पे ही होगा। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2021, तो गेट 2021 के रिजल्ट के बेसिस पे आपका जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको ये फाइनल कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग दैट इज गेट 2021 बेस्ड ऑन गेट 2021 स्कोर मार्क्स एंड रिक्रूटमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज इन द रेशियो ऑफ 1:1.5। काफ़ी कम रेशियो में ये लोग कैंडिडेट को बुला रहे हैं, 1:1.5 रेशियो में तो यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है। एंड फॉर फर्दर सेलेक्शन प्रोसेस मीन्स आपका 1:1.5 के रेशियो में ही बुलाया जाएगा, मीन्स एक वैकेंसी पे मीन्स 1.5 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। मीन्स अगर आपका 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है तो 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट के लिए जो अप्लीकेशन फ़ी है दैट इज़
1000 रुपीज प्लस GST, दैट इज आपका जो टोटल फी हो जाएगा दैट इज 1180 1180 रुपये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है। एंड फॉर कैटेगरी स्टूडेंट SC ST एंड PWD स्टूडेंट यहाँ पे कोई फी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पे जो एज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एज लिमिट की अगर आप यहाँ पे, तो एज लिमिट यहाँ पे साफ साफ मेंशनड है कि जो अपर एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स ऑन 4th of August 2021 फॉर जनरल EWS कैटेगरी। एंड फॉर अदर कैटेगरी जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है किसके लिए कितने इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो सैलरी होने वाला है, काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इसके लिए, तो जो आपका सैलरी होगा जब सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी E2 पोस्ट पे आप सेलेक्ट किए जाएंगे और जो पे स्केल होगा दैट इज 50,000 to 1,60,000 यहाँ पे होने वाला है। और जो इनिशियल में ट्रेनिंग पीरियड में आपको मिलेगा बेसिक पे मिलता है दैट इज 50,000 पर मंथ मिलेगा, और आपका एक साल का पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप अपग्रेड हो जाओगे दैट इज E3 ग्रेड पे आप अपग्रेड हो जाओगे और वहाँ पे जो आपका पे स्किल होगा दैट इज 60,000 to 1,80,000। तो यहाँ पे एक बेसिक पे है, और बेसिक पे का अगर मैं आपको पर मंथ सैलरी की बात करूँ तो जो बेसिक पे का ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपका जो पर मंथ जो सैलरी आएगी ऑलमोस्ट इसकी डबल आएगी, मींस 1 लाख के आसपास, 1,10,000 इसके आसपास ही आपकी सैलरी बन के आएगी। तो काफ़ी हैंडसम पैकेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोस्टिंग की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टिंग कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनी वेयर इन सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग क्वालिफाइड एरिया, ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। तो जो अगर कैंडिडेट हैं वो ये मान रहे हैं कि वो इंडिया में कहीं पे भी सर्व कर सकते हैं तो वही इसको अप्लाई करें, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग होगी ऑल ओवर इंडिया होगी। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट भी है, सर्विस बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंटेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ का सर्विस बॉन्ड है। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग the company the candidate will be required to execute a service bond agreement 3 lakh का यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 60 मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 60 मंथ जिस डेट से आप ज्वाइन करने वाले हैं तो उस डेट के हिसाब से आपका मिनिमम 60 मंथ आपको पे कर रहे वहाँ पे आपको सर्व करना है, मींस ऑलमोस्ट 5 ईयर, ऑलमोस्ट का एग्जैक्टली 5 ईयर्स है। तो 5 ईयर्स आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विस बॉन्ड है, काफ़ी ज़्यादा टाइम का सर्विस बॉन्ड है। तो अगर आप उससे पहले आप कंपनी को छोड़ते हैं आपको 3 लाख रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है, 3 लाख का सर्विस बॉन्ड है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कोल इंडिया लिमिटेड की साइट है, तो मीन्स यहाँ पे कोल www.coalindia.in यहाँ पे आप जाइए और करियर विद CIL, नेक्स्ट जॉब एट कोल इंडिया, नेक्स्ट करेंट जॉब नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पे जाके ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप आज से ही मीन्स 10th of August से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 10th of August से 10 AM पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका ऑलमोस्ट डेट जो है 1 मंथ का है। तो एज सून एज पॉसिबल आप इसको अप्लाई कर लीजिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो एज सून एज पॉसिबल आप अगर एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर लीजिए। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी, कहीं ना कहीं आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस session with your friend as well as like this session and subscribe this channel for all the upcoming job notification and general notification. So thank you very much for listening.